राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन संडे, मेरे ओम की तबीयत थोड़ा खराब है तो मैं जाऊंगी उसे दवा दिलवाने के लिए, इसलिए मैंने आज सुबह जल्दी से काम शुरू कर दिया है। पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर दूध वगैरह गर्म करूंगी, उसके बाद फिर हम लोग जल्दी निकलेंगे क्योंकि फिर दिन में धूप हो जाती है काफी तेज। इसलिए बहुत मतलब काफी पूरी रात उसने सोने नहीं दिया, बहुत परेशान है वो आज। तो चलिए फटाफट से घर का काम शुरू कर लेते हैं क्योंकि फिर जाना भी है, फिर वहां से लेट हो जाते हैं आते आते, 12-1 तो बज ही जाता है। और ओम को ना फीवर हो गया, मतलब काफी रात में, पूरी रात में 2-3 बार फीवर चढ़ा था उसे, और ठंड से फीवर आ रहा है। तो आजकल वायरल बहुत चल रहा है, तो दवा भी टाइम पे दिलाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग फिर, क्योंकि इसको डॉक्टर की दवा कम सूट करती है, इसको वैद्य की दवा ज्यादा अच्छी लगती है, तो हमारे फैमिली वैद्य हैं उन्हीं के पास लेके जाऊंगी। लेकिन वहाँ भीड़ बहुत रहती है संडे वाले दिन, तो मैं रेयर ही जाती हूँ संडे को, वरना मैं अदर डे चली जाऊंगी लेकिन संडे को नहीं जाती। लेकिन आज मजबूरी है तो जाना तो पड़ेगा ही, संडे हो या कुछ भी हो, आज बहुत भीड़ मिलेगी, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलूंगी। तो मैं फिर सोचा फटाफट से काम खत्म कर लूँ। बच्चों की ना तबीयत खराब हो तो ये सोच लीजिए सब कुछ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों के लिए अभी बस सिर्फ वेजिटेबल सैंडविच बनाऊंगी, बच्चे तो कोई नहीं खाएंगे, ये खाएंगे और एक मैं भी खाऊंगी, क्योंकि फिर एसिड बनने लगता है खाली पेट। और खा लेगा तो ओम भले, ओम तो बिल्कुल नहीं खाएगा, कृष्णा भले खा ले थोड़ा बहुत, वो भी मुश्किल ही खाएगा, उसको भी सर्दी हो रखी है भयंकर वाली, तो उसको भी दवा लेने जाना है। तो हम चारों जन ही जाएंगे दवा लेने, इसलिए पहले थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लें। दवा लेकर लौट आए थे तब अपनी दादी के पास लेट गया है ये, और अब मैं लगूंगी क्योंकि हमें 12-1 बज गया था वहाँ से आते आते। तो अब मैं घर के थोड़े काम करूँगी, कपड़े वगैरह धो के सुखाऊंगी, और आंधी का सब मौसम हो रहा है इसलिए फटाफट से, लाइट फिर आती नहीं है फिर लाइट के, और वो जाते हैं। देखिए आंधी तो शुरू हो गई है, अभी तो हल्की है, थोड़ी देर बाद और तेज हो गई थी, ये थोड़ी देर पहले का किया है, और अब बहुत तेज स्टार्ट हो गई थी आंधी और लाइट चली गई अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। शाम को खाने में बनाए हैं हमने पराठे, और मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह हम फ्राई करते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं वो। जब भी कभी सब्जी खाने का मन नहीं हो, या फिर आपको बहुत जल्दी है या कहीं जा रहे हो, तो आप उसको बनाकर खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने वही बनाए थे क्योंकि बच्चों में से किसी का खाने का मन नहीं था, कृष्णा को भी थोड़ा चटपटा सा खाने का मन था, तो आजकल मोटी वाली जो मिर्च आ रही हैं उनके साथ फिर पराठे या फिर पूड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, तो फिर मैंने वही बनाए थे। तो उसके लिए मैं पराठे बना रही हूँ, सब्जी वो तो मैंने फ्राई करके रख लिए थे क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर अभी वो थोड़ा सा आराम मिल गया था तो मैंने कहा फटाफट से काम कर लूँ, और आंधी की वजह से लाइट तो अब रात को मुश्किल ही आएगी। बस जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं, पता नहीं उसको कब मम्मी की याद आ जाए, पता नहीं चलता ना, छोटा है अभी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसने वो अभी आराम कर रहा है, तो मैंने कहा लाओ तब तक किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं। और फिर हमारे यहाँ इनको तो ठंडे पराठे अच्छे लगते हैं वैसे भी, बना के अगर आप रख दो तो वो 1 घंटे बाद ही खाते हैं ज़्यादातर, तो फिर मैं उनके लिए भी पराठे बना के रख दूँगी, और दूध वगैरह आ गया है तो उसे भी गर्म करने के लिए रखूँगी, और इस तरह से जल्दी से किचन का काम ख़त्म कर लूँ।
खाना पीना बन गया है क्योंकि अभी शाम ही है। खाना हमने शाम को थोड़ा जल्दी कर लिया क्योंकि आंधी आई है ना, आंधी से इतनी गंदगी फैल गई है पूछिए मत। अब बस दीपक वगैरह बना के दीपक जलाऊंगी, उससे पहले दिखाती हूँ कितना कचरा हो गया पूरे घर में आंधी की वजह से। आज मेरी लाडो की तबीयत बहुत खराब है इसलिए नो मस्ती है ना, कोई मस्ती वस्ती नहीं। सिर में दर्द हो रहा है मेरे बाबू के, फीवर आ रहा है उसे, है ना राजा, वरना ये तो ब्लॉग में चुलबुलाते ही रहते हैं, लेकिन आज तो बहुत परेशान है मेरी बेटी, है ना। ठीक है तो मम्मा फटाफट से आपको दीपक जला के फिर आपको दवाई देके नीना कराएगी, ठीक है, नीनी कराऊंगी मैं, ठीक है। तो मैं दीपक जलाऊंगी बस, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी क्योंकि ओम परेशान है, इनको भी देख लें, दवा वगैरह देनी है ना। तो चलिए अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।